नमस्कार। आज नमस्कार। एक सवाल मेरे जहन में बहुत समय से चल रहे थे कि अक्सर समय समय पर केंद्र सरकार ये घोषणाएं करती है कि हम किसानों की जो आमदनी है उसको दुगना कराने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की चीजें सामने लाई जा रही हैं, नई नई स्कीम आ रही हैं, नई नई मशीनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की सरकार कोशिशें कर रही है, रिसर्च पर काफी ध्यान दिया जा रहा है कृषि संबंधित। लेकिन इसके बावजूद लगातार देश में एक माहौल, एक वर्ग ऐसा है जो वो माहौल बनाए रखता है कि ये सरकार किसान विरोधी है, और इस माहौल को बनाने के लिए उन्हें विदेशों से फंडिंग भी होती है, सहायता भी होती है। कुछ समय पहले आप सब लोग जानते ही हैं कि इन लोगों ने तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर कृषि कानूनों के खिलाफ एक लंबे समय तक दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चलाया था। हालांकि उसका नतीजा कुछ नहीं रहा, डाक के तीन पात रहे, उल्टा किसानों का नुकसान ही हुआ है। जहां तक मेरे सामने रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हालांकि ये अभी हो पाया है या नहीं ये तो आंकड़ों से पता लगेगा। वर्ष 2015-16 में कृषि बजट के लिए 25,460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो अब 2022-23 तक बढ़कर 1,38,551 करोड़ का हो गया है, जो कि लगभग 6 गुना के आसपास मेरा मानना है पहले से हो गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तथा कथित संयुक्त किसान मोर्चा के लोग। किसानों की बात हो और इस मुद्दे पर हमारे पास बेटर एक्सपर्ट अशोक बालियान जी से कोई और हो नहीं सकता। अशोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार हर्ष जी। और अशोक जी, पहला सवाल यही है, आपने जो मैंने चीजें अभी बताए, जो आंकड़े बताए, वो आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, ये सब चीजें आपकी भी जानकारी में हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं अक्सर मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि ये किसान विरोधी है, बीजेपी ने कोरिया बना दिया है देश को, सरकार संविधान व्यवस्थाओं को नष्ट कर देना चाहती है, अधिकारों को छीना जा रहा है, मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं लोगों पर, इस तरह की बातें कहते रहे हैं। और खासतौर से एक किसान नेता जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे पुराने परिचित भी हैं, राकेश टिकैत, वो बड़ा मुखर होकर बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब इस समय डेमोक्रेसी नहीं है। तो अशोक जी, शुरुआत डेमोक्रेसी से ही करते हैं कि किसान नेताओं को क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं है? देखिए हर्ष जी, दिल्ली की सीमा पर जो ये 13 महीने कृषि कानून चला था और वहां 26 जनवरी को इन किसान नेताओं के नेतृत्व में जो हिंसा हुई थी, जो ये किसान नेता कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी भारत सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने, कि भाई देश के किसानों ने के हित में वो कृषि कानून लाए थे लेकिन किसान नहीं चाहते, उनको वापस लिया। और इन तथा कथित किसान नेताओं पर जो 26 जनवरी को हिंसा पर मुकदमे काम हुए थे, जिसमें गंभीर अपराध के मुकदमे भी काम हुए थे, उनको वापस लेने का काम किया। यहां तक कि इन किसान नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को गालियां भी दी। बॉर्डर पर 13 महीने वहां के आसपास की जनता को एक तरह से बंधक बनाकर रखा और आज भी ये खुलेआम घूम रहे हैं। तो हर्ष जी, मैं नहीं समझता कि इनके इस आरोप में कोई सच्चाई है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के संविधान को नष्ट कर रही है, या किसानों की, या जो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं उनकी आवाज को बंद कर रही है। यदि सरकार की नीति और नियत ये होती तो ये सारे तथा कथित नेता, जिन पर विदेशी फंडिंग का भी आरोप उस वक्त में आपके हर्षी याद होगा, दो मुकदमे काम हुए थे, तो ये सारे जेल के अंदर होते। तो इनका ये कहना कि उसमें दक्षिणी कायदे से कोरिया जांच बना आगे दिया है बढ़ी मोदी नहीं है सरकार उस ने, मामले में। ये सरकार गुमराह कर रहे हैं। उस मामले को सरकार ने एक तरह से पेंडिंग डाला हुआ है। अगर उसमें कायदे से जांच आगे बढ़ाई जाती है और सरकार की इच्छा होती कुछ एक्शन लेने की, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हुआ होता उसमें। हाँ हर्ष जी बिल्कुल, ये वो मुकदमा भी उसमें एनआईए सरकार वगैरह ने का कि भी, भाई एनआईए का भी इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल में हो गया था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल और एविडेंस थे कि सरकार के पास कि इनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि देश को, कि संविधान को नष्ट किया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबा जा रहा है। इन्होंने अराजनीतिक रहते हुए हर्ष जी 2022 में उत्तर प्रदेश और हिमाचल में चुनाव में विरोध किया, फिर भी इनको केंद्र की मोदी सरकार या राज्य सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो मैं समझता हूँ
ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने के केवल असत्य आरोप लगा रहे हैं, और देश की जनता इनके इन असत्य आरोपों को समझ गई थी, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में को छोड़ उत्तर प्रदेश में फिर भी पुनः योगी सरकार के नेतृत्व में जो है बहुत अच्छी सरकार कार्य कर रही है। अच्छा, वो जो शुरुआत जहां से मैंने की थी कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी करने वाला मामला था, उसमें सरकार कहां तक पहुंची है? क्या आपको लग रहा है उसमें क्या हो पाया है, क्या नहीं हो पाया है? क्या दोबारा हर्ष जी रिपीट करिए। ये जो 2022 तक कृषि आय दुगनी करने की जो बात कही गई थी, उसके बारे में किसान मोर्चा लगातार आरोप लगाते हैं कि अब तक दुगनी नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या है असली? देखिए हर्ष जी, जो 3 कृषि कानून आए थे कृषि सुधार के लिए, वो इसीलिए लाए गए थे कि जो कमेटी बनी थी विशेषज्ञों की, कृषि विशेषज्ञों की, उन्होंने ये कहा था कि हमें कृषि सुधार के लिए कुछ कानूनों को लाना पड़ेगा ताकि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर सकें। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपये प्रतिवर्ष एक किसान को देने का कार्य किया। उधर 3 कृषि कानूनों को लाया गया था ताकि कृषि में सुधार हो, देश के किसान की कृषि उपज को अंतरराष्ट्रीय मार्केट से जोड़ा जाए, ये सब करने के लिए तो ताकि 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दुगना किया जा सके। लेकिन पिछले अभी लोकसभा के सत्र में नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि एक रिसर्च, एक सर्वे में यह है, और उदाहरण के उस सर्वे में उन किसानों के नाम भी दिए गए थे, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है वो, कि देश के छोटे किसानों की आय निश्चित तौर पर दुगनी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने MSP को उन किसानों के दायरे तक लाने का काम किया है, बहुत बड़े पैमाने पर 3 गुना जाते पिछली सरकार जो मनमोहन सिंह की 10 साल केंद्र में सरकार चली थी उसके मुकाबले में, कृषि उपज को केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3 से 4 गुना खरीद की है और मूल्य को बढ़ा है। तो हर्ष जी, निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता कि सब किसानों की आय दुगनी हुई है, लेकिन बहुत सारे किसानों की आय को दुगुना किया गया है। पिछले हफ्ते मेरी केंद्रीय पशुपालन मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से भी बात हुई थी इस विषय में, क्योंकि कृषि आय के साथ साथ किसान पशुपालन का कार्य भी करते हैं, और पशुपालन में 2013-14 में अगर ग्रोथ 24% थी तो 2021-22 में हर जी वो ग्रोथ 30% से भी अधिक हो गई है। तो निश्चित इन किसानों का ये आरोप लगाना, किसान मोर्चे के नेताओं का ये आरोप लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि किसी भी किसान की आमदनी नहीं बढ़ी है। एपीओ क्या है? एपीओ को इसीलिए बनाया गया है कि छोटे छोटे किसानों के समूह को जोड़कर एपीओ उनकी फसल को खरीदे और फिर एक जहां बेहतर उनको दाम मिलता है वहां उनको दिया जाए। अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट को हर्ष जी मंडी टैक्स से बाहर किया है, एपीओ को मंडी टैक्स से बाहर किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब ये है कि ताकि किसान को उसकी कृषि उपज का बेहतर मूल्य मिले। हाँ, ये नरेंद्र सिंह तोमर का मैं बयान पढ़ रहा था, उनका कहना था कि जो 14 करोड़ किसान हैं, इनमें से 85% छोटे और सीमांत किसान हैं, और पिछले 8 वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि न केवल लाखों किसानों की आय दुगनी हुई है, बल्कि कई की तो आय दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है। और बिल्कुल हर्ष जी, जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो कृषि कानून लाए गए थे, अगर वो लागू हुए होते तो कृषि कानूनों जो किसान थे उनकी उपज की जो वैल्यू थी वो डबल हो जाती 2022 तक ही, उसके आधार पर अगर वो उसी हाँ ढंग से लागू हुए होते, बिल्कुल आपका हर्ष ये जी, कहने का, तो क्या ये मानना जाए कि कृषि कानून लाने का मुख्य उद्देश्य यही था? बिल्कुल हर्ष जी, कृषि कानून लाने का मुख्य उद्देश्य था कि एक तो किसान को, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की हम बात करें जो कृषि कानून में से 3 में से 1 कानून था, तो हर जी किसान के साथ, जो किसान के साथ समझौता करता है, एग्रीमेंट करता, तो वो उसका मूल्य भी तय करता, तो किसान को ये पता होता है कि कौन सी फसल को बोने से तुम्हें कितना मूल्य मिलेगा और उस मूल्य की गारंटी थी। तो जब मूल्य की गारंटी होगी हर जी, तो ऐसे निश्चित तौर गन्ने पर की किसान होती है, बिल्कुल जैसे गन्ने की होती है कि भाई 350 रुपये प्रति किसान को क्विंटल आइडिया मिलेगा, होता है कि पिछले साल इतना था तो अगले साल इतना तो होगा ही। अगले साल इतना होगा। तो हर जी यही एक मुख्य उद्देश्य था कृषि कानूनों को लाने का, कि किसान को गारंटी होगी कि तुम्हें इस फसल का ये मूल्य मिलेगा। और इन कानूनों में ये भी प्रयोजन था हर जी के जो उच्चतर मूल्य होगा, एक MSP, एक अगर मार्केट में ऊपर का मूल्य चल रहा है तो वो मूल्य मिलेगा, और अगर मार्केट में MSP से नीचे मूल्य है
तो वो मूल्य नहीं मिलेगा, फिर एमएसपी का मूल्य मिलेगा। हर्ष जी जी, वे कृषि कानून देश के किसानों की आय को निश्चित तौर पर 2022-23 तक दोगुने से भी ज्यादा करते, और यही मुख्य उद्देश्य था। अगर कृषि कानून आते तो निश्चित तौर पर प्राइवेट निजी निवेश भी आता और बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि के क्षेत्र में समावेश करती। हर्ष जी, आप देखते होंगे कि सेवा सेक्टर में 20% लोग लगे हुए हैं, लेकिन देश में योगदान कितना है? 60%। कृषि क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं? 60% लोग लगे हुए हैं। योगदान कितना है हर साल? 14-15% के आसपास या 16% बैठता है, सही बात निश्चित तौर पर। तो कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा रोजगार पैदा करते और कृषि सेवा सेक्टर में देश की ग्रोथ में बहुत बड़ा अपना योगदान करते अगर ये कानून लागू हो जाते। हर्ष, दरअसल बात यह है कि कृषि अब तक यही रही है कि लोगों के लिए जीविका उपार्जन का एक जरिया रही है, अब तक इससे ज्यादा नहीं माना गया। लेकिन अब सरकार चाहती है कि इसे एक बिजनेस की तरह भी लिया जाए, वो न सिर्फ अपना घर का खर्चा पानी चलाएं बल्कि देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करें। शायद सरकार की मंशा यही रही होगी इनके पीछे। बिल्कुल हर्ष जी, बिल्कुल आपने सही कहा हर्ष जी। अच्छा, इस ये आपने टिकैत साहब अक्सर ये कहते रहते हैं कि जो सरकार की ये जो कृषि नीतियां बन रही हैं वो सरकार नहीं बनाती, किसानों से बात नहीं की जाती, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो लोग ये नीतियां तैयार कर रहे हैं, इनके इस आरोप में कितना दम है, क्या लगता है आपको? हर्ष जी, क्या ये लोग फिर कृषि को 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? आज कृषि में टेक्नोलॉजी का समावेश है। अगर हम मार्केट में जाएंगे तो नई नई अमेजन जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां आ गई जो कृषि की उपज को भी खरीद रही है सीधा किसानों से, वॉलमार्ट आ गए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे, तो किसान को आप कैसे जोड़ोगे? तो इसका मतलब तो यह है कि आप चाहते हो कि देश का किसान 100 साल पीछे चला जाए, उसी युग में जिस युग में वो गरीबी और अभाव में जी रहा था। हर्ष जी, इनका ये आरोप केवल किसानों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि देश का किसान बेचारा भोला भाला है, और वो कभी कभी इन किसान मोर्चों के इन जैसे नेताओं के चक्कर में आकर अपने कृषि किसान हित के बने कृषि कानूनों के विरुद्ध भी खड़ा हो जाता है। आज अगर हम ड्रोन की बात करें तो कौन लाए ड्रोन को? हर्ष जी, प्रोफेशनल लोग लाए हैं, जो कृषि वैज्ञानिक है वो टेक्नोलॉजी को लाए हैं। आज सैटेलाइट से हम किसान के नुकसान को 2 मिनट में देख लेते हैं कि प्राकृतिक आपदा से किसान का कितना नुकसान हुआ है। आज 6,000 रुपये जो मोदी जी केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में देते, केवल दिल्ली में क्लिक करना पड़ता है, किसी के पास नहीं जाना पड़ता किसान को, और साल में 6,000 रुपये एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए किसान के खाते में पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह के बयानों से किसानों को गुमराह किया जा रहा है हर्ष जी, और देश का किसान धीरे धीरे इन चीजों को जिस दिन समझ जाएगा, वो इन तथाकथित किसान यूनियनों के तथाकथित संयुक्त किसान मोर्चे के निश्चित तौर पर खिलाफ हो जाएगा। सारी दुनिया में आज टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल देश को अपने आगे ले जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि वर्तमान केंद्र सरकार कृषि में प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी को लाकर, आज ई मंडी क्या है हर्ष जी, ई मंडी प्रोफेशनल लोगों ने कहा कि आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने कृषि उपज को दुनिया के किसी भी मार्केट में बेचिए, आपको मंडी आने की आवश्यकता नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट देख रहा था हर्ष जी, वहां कुछ महिलाओं ने ई मंडी के आधार पर 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है हर्ष जी। तो निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोफेशनल लोग जो कृषि में टेक्नोलॉजी को लाएंगे, देश की कृषि निश्चित तौर पर उन्नति करेगी, और इन चीजों को रोकने वाले लोगों को एक दिन समझेगी हर्ष जी कि इनका विरोध केवल किसान को गुमराह करने के लिए है। ये तो बात आपकी बिल्कुल उचित है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल जितना मैक्सिमम होगा किसान को बहुत फायदा होने जा रहा है इसमें। और जो आपने मध्य प्रदेश वाला उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण हैं कि यहाँ के लोगों ने बैठे बैठे विदेशों में बिजनेस किया है, अपनी कृषि उपज को एक्सपोर्ट किया है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हैं और इस तरह के लोगों को सरकार ने पद्मश्री तक दिया है। कई, मैं नाम बिल्कुल अभी दिया है भूल रहा हर्ष, हूँ, कई लोगों को पद्मश्री दी बिल्कुल गई है क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ इस तरह के काम करके दिखाए हैं। और समय समय पर सरकार किसानों को सम्मानित जो करती है उसमें ज्यादातर ऐसे ही किसान होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा अलग हटकर काम करने की कोशिश की है, और उनमें ये चीजें सामने आई हैं कि उस किसान का कोई बेटा, कोई परिवार का सदस्य आईटी इंजीनियर था, उसने उसके लिए एक ऐप बनाई और उसके माध्यम से उन्होंने आगे बढ़ाया। और सरकार ये सभी किसानों के लिए करना चाहती है तो उस राह में ये लोग रोड़ा अड़ाते हैं। और एक इनका घिसा पिटा नारा है कि सरकार तुम्हारी जमीन हड़प लेगी, पूंजीपतियों को जमीन दे दी जाएगी,
जो एक बेहद काल्पनिक तरह की एक इनकी मनगढ़ंत कहानी है। और अभी राकेश टिकैत ने हाल ही में जो इनकी पंचायत हुई है, जो इनकी सालाना पंचायत है, उसमें ये भी फिर ये बात दोहराई है। देखिए हर चीज, संयुक्त किसान मोर्चा और उसके घटक के ये सारे नेता, आपके ध्यान होगा कृषि कानून के वक्त में कह रहे थे कि किसान की जमीन चल जाएगी। मैं हर चीज आपको बताना चाहता हूं कि कृषि कानूनों के, मैं कृषि करार कानून के सेक्शन 8 में स्पष्ट था कि कृषि की भूमि के बंधक करने का, उस पर ऋण लेने का कोई प्रयोजन नहीं होगा, किसान की भूमि का कोई करार नहीं किया जाएगा। किसान से के अगर किसान ने करार करने वाले के पैसे को नहीं दिया तो उसकी भूमि से नहीं लिया जाएगा। 2014 से मोदी सरकार है, एक भी किसान की जमीन को सरकार ने, आप बताओ, जनहित के नेशनल हाईवे या जनहित के मुद्दे को छोड़कर किसी की जमीन को लिया है? ये हर्ष जी बार बार कह रहे हैं कि एक आंदोलन की जरूरत है, किसानों की जमीन चल जाएगी, फिर आप जमीनें क्यों खरीद रहे हो? मैं बहुत सारे किसान नेताओं को जानता हूं जो हर साल जमीनें खरीद रहे हैं। अरे जब मोदी सरकार जमीन ले रही तो आप क्यों खरीद रहे हो? आप क्यों किसानों को डरा रहे हो? हाँ हर्षी, अगर खेती पर सरकार की एक मंशा जरूर है कि आज अगर जो खेती पर 60% निर्भर है तो हमारे जमीन की एक लिमिट होती है कि उस पर इतनी आमदनी हो सकती है। हर परिवार के पास एक निश्चित संख्या में, हेक्टेयर में जमीन होगी, उससे ज्यादा वो नहीं उत्पादन कर सकता उसमें। तो अगर खेती में निर्भरता कम होगी और किसान के बेटे सर्विस सेक्टर में आएंगे, बिजनेस सेक्टर में आएंगे या विदेश जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उस परिवार की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा, इस घटक के इस तरह के नेता जो बिल्कुल एक तरह से वाहियात और अनपढ़ बात करते हैं, वो चाहते हैं कि देश का किसान गरीबी और भुखमरी में रहे, ताकि तुम फिर विदेशी फंडिंग के आधार पर दिल्ली में फिर एक बड़े आंदोलन को करो। आपके ध्यान होगा हर्ष जी, जब मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया था तो एक संयुक्त किसान मोर्चा के घटक ने कहा था, नहीं हम तो इस आंदोलन को 2024 और 29 तक चलाएंगे। और लेकिन जब देखा कि पंजाब के और हरियाणा के लोग चले गए हैं, तो तब वो किसान संगठन जो है फिर वापिस आ था। तो ये आप देखो कि इनकी मंशा क्या थी, कि फंडिंग चलती रहेगी संयुक्त किसान मोर्चे को, और वो किसानों के नाम पर जो है अपना स्वार्थ पूरा करते रहेंगे। और लेकिन किसानों का इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मैं किसानों से आपके माध्यम से, चैनल से अपील करना चाहता हूं कि वो इस तरह की इनकी बातों को, असत्य बातों पर विश्वास ना करें, बिल्कुल ना विश्वास करें, वरना देश में जो किसान हित में कोई नीतियां बना रही है मोदी सरकार, ये उनमें रुकावट पैदा करेंगे, अड़चन पैदा करेंगे और किसान को फिर पीछे ले जाने का कार्य करेंगे। हर्ष बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कही आपने बात। और दरअसल कई बार ऐसा भी लगता है इन किसानों के बयानों से, किसान नेताओं के बयानों से, कि ये किसान नेता कम है, पॉलिटिशियन ज्यादा हैं। अब ये कहना कि साहब हम 2024 तक भी आंदोलन चलाएंगे, तो इसका मतलब इनकी सीधी मंशा यही है कि इसका कुछ राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय तो टिकैत साहब, नरेश टिकैत जी ने साफ कह दिया था कि साहब हम RLD को समर्थन देंगे यहाँ पर। हालांकि बाद में पता नहीं किस दबाव में आकर वो अपने बयान से मुकर गए थे। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक इच्छाएं ज्यादा हैं, किसानों के लिए काम करने की इच्छाएं थोड़ी सी कम नजर आती है। हर्ष जी, एक दिन तो संयुक्त किसान मोर्चे का बयान आता है कि हम अराजनीतिक हैं और हम, हमारा राजनीति से या चुनाव से कोई मतलब नहीं। अगले दिन बयान आता है, अभी 2-3 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चे घटक के एक किसान संगठन का बयान है कि 2024 में हम मोदी सरकार के विरोध में विपक्ष का साथ देंगे। तो ये क्या है? ये अराजनीतिक स्वरूप नहीं है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, विदेशी फंडिंग, और जो देश में मोदी सरकार को के खिलाफ नैरेटिव बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ खाप के चौधरी, कुछ किसान संगठनों के नेता, ये हर्ष जी सारे के सारे लोग मिलकर देश में एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। लेकिन देश के किसान धीरे धीरे इनको समझने का कार्य भी कर रहे हैं हर्ष जी, कि ये देश को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ में ये नहीं आया कि चलिए तो सारे मुद्दे अलग अलग हैं, और ये भी साफ स्पष्ट है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो थोड़ा सा राजनीतिक इन्फ्लुएंस्ड है, और उसके पीछे पॉलिटिकल उनकी जो एक विजडम है वो भी काम कर रही है कहीं ना कहीं पर। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि सरकार और इनके बीच में तारतम्य नहीं बन पाया? राजनीति तो बीजेपी सरकार भी कर रही है, मोदी जी भी राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं, तो वो इन्हें कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? ये आपको क्या लगा कि आखिरकार इसमें गैप क्या हुआ?
या ये किसान नेता जो हैं ये कन्विंस होना ही नहीं चाहते, इनका कोई निजी नुकसान हो जाएगा इसमें। देखिए हर्ष जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के वक्त में किसान नेताओं का स्वार्थ नहीं होता था। वो कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की, इसलिए सरकार के साथ उनकी बातचीत हो जाती थी। वो सरकार के सामने 10 मांगे रखते थे, सरकार 2 मांगों पर सहमति व्यक्त करती थी तो वो चले आते थे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के समय जब दिल्ली में कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ, तो हर्ष जी ये आंदोलन फंडिंग पर आधारित था, इसलिए सरकार के साथ इनकी 11 बार वार्ता हुई और 11 बार इन लोगों ने सरकार के साथ किसी भी मुद्दे पर सहमति व्यक्त नहीं की। सरकार ने कहा कि आप कृषि कानूनों में वो प्रावधान बताइए जो किसान के हाँ हित में नहीं है, हम बिल्कुल, उसको चेंज करेंगे। लेकिन इन्होंने कभी भी, और आज तक भी इन्होंने कृषि कानूनों में किसी भी प्रावधान के बारे में नहीं बता कि ये प्रावधान किसान के विरुद्ध है। तो जब हर्ष जी ये विदेशी ताकतों के साथ मिल गए हैं, उन प्रेस मीडिया हाउस के साथ मिल गए हैं, अभी एक हर्ष जी प्रेस मीडिया हाउस पर लगा है कि चाइना से पैसा लेकर वो देश में किसान संगठनों के इंटरव्यू छाप रहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है और झूठे आंकड़े पेश कर रहा है। तो हर्ष जी ये सब क्या है? ये सब निजी स्वार्थ है इन संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का और उसमें शामिल कुछ घटकों। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए ये बार बार कहते हैं कि हम फिर आंदोलन शुरू करेंगे, फिर आंदोलन शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि जो फंड मिला था वो कुछ कम होने लगा है, उसे फिर बढ़ाने की योजना है। बिल्कुल हर्ष जी, ये बार बार उस बात का भी फंड लेते हैं ये कि हम सरकार के विरुद्ध बार बार आंदोलन की घोषणा करेंगे। हालांकि अभी योगेंद्र नारायण और मेगा पाटकर ने कहा था बनारस में, जब वहां एक सेवा गांधी सेवा संस्थान के नाम पर एक जमीन पर रेलवे की कब्जा किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से भी वो चुनाव वो हार गए थे अपने केस को और सरकार ने उसको खाली करा लिया है। तो ये वहां गए थे और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ ट्रैक्टर लेकर आएंगे अगर सरकार ने इसको खाली करा लिया। और सरकार ने खाली करा लिया है, फिर वहां नहीं गए, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे कहीं घोषणा करेंगे और फिर उससे आगे घोषणा करते रहेंगे और देश के किसानों को गुमराह करने का काम करते रहेंगे ताकि देश का किसान भ्रमित हो जाए। लेकिन हर्ष जी, मैं पुनः फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि देश के किसानों को संयुक्त किसान मोर्चे की हकीकत को समझना चाहिए और समझने के बाद इनके असलियत को जानकर फिर इनके साथ नहीं लगना चाहिए। देश को आगे की तरफ बढ़ाना है तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए, हमें कृषि में निवेश चाहिए, हमें सेवा सेक्टर की तरह कृषि में सेवा सेक्टर चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। हमें बाजार चाहिए, हम कृषि में तब तक बाजार स्थानीय बाजार से लेकर तरफ के बाजार नहीं मिलेगा तब तक हमें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा। लेकिन इन कृषि सुधार के कानून में ये सारी चीजों का प्रावधान किया गया था और इन्होंने देश के किसानों को एक साथ गद्दारी की है और उन किसान उन कृषि कानूनों को वापिस करा है हर्ष जी। अच्छा देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी पीछे ले चलता हूं। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और स्वर्गीय हुकम सिंह मंत्री बने थे, शायद टैक्स के मिनिस्टर थे या कुछ, उनके पास टैक्स वाला मिनिस्टीरियल थी। अब तो हुकम सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मंडियों में किसान बाजार लगवाए थे, आपको याद होगा। और मैं बिल्कुल देखता लगवाए थे, हूं, मेरा मेरा मानना है कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो, कि किसान सीधा आए, अपनी सब्जी, अपनी फसल, जो भी वो पैदा कर रहा है वो आके लाके बेचे। उसे इन लोगों ने सक्सेस नहीं होने दिया, उसके खिलाफ जबरदस्त राजनीति हुई। ये अब उस समय तो कोई डिजिटल एरिया तो था, एरा तो था नहीं, कि उस समय डिजिटल का दौर था। तो उस समय यही था कि किसान डायरेक्ट मार्केट में आके, मार्केट में उसके पास बैठने की जगह नहीं थी, उन्हें जगह प्रोवाइड की गई थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि केवल एक इसी नीति के जो बीच के जो दलाल हैं, उनका जो है धंधा वो चलता रहे, उसको कामयाब नहीं होने दिया गया। सेम यही कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल हर्ष जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कृषि कानूनों के वक्त पर हर्ष जी आपके याद होगा, क्योंकि उसी वक्त कोरोना काल भी चल रहा था जब ये ऑर्डिनेंस आए थे, हजारों अमेरिका यूरोप के जो भारत के प्रोफेसर वहां गए हुए थे भारत में वापिस आए और उन्होंने आकर कृषि में टेक्नोलॉजी को का समावेश के बाद में कृषि निर्यात को बढ़ाया। आप देख रहे होंगे हर्ष जी, पिछले 5-6 सालों में कृषि निर्यात कई गुना बढ़ा। तो ये क्या है? ये सब देश को आगे ले जाने की बात थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा उसके घटक देश को पीछे ले जा रहे हैं। आपने स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी का जिक्र किया, उनकी कल्पना भी ये थी कि कृषि बाजार में जहां किसान सीधा अपनी उपज को मंडी में बेचने लाएगा वहां कोई टैक्स नहीं होगा।
वो जानते थे, क्योंकि बाबू उगम सिंह जी बहुत पढ़े लिखे नेता थे, वो जानते थे कि किसान का भला, नई टेक्नोलॉजी को और मंडी के साथ उनको दूसरा विकल्प देने के साथ होगा। इन कृषि कानूनों में मंडी के साथ उनको ओपन मार्केट का विकल्प दिया गया था। आज मंडी में सीमित आड़ती है, अगर कृषि कानून होते तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े लिखे कृषि स्नातक भाई हैं, वो सारे के सारे हमारे भाई और बेटे आज कृषि उपज के विपणन के कार्य में लगे हुए होते और देश में कृषि सेवा सेक्टर में आज बहुत बड़ा बूम आने का कार्य होता, बढ़ने का कार्य होता। हर्ष, अच्छा, अब अंतिम सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कृषि कानून जो ये वापस ले लिए गए थे, आपको अब क्या लगता है, एज ए एक कॉमन मैन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि एक किसान के रूप में, कृषक के रूप में आप क्या देखते हैं कि सरकार की मंशा क्या है? 2024 के बाद क्या ये फिर से लाए जाएंगे, नए रूप में लाए जाएंगे, या सरकार ने इसको अभी टाल दिया है? क्या आपकी आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम मोदी सरकार ने किया था, वरना हर चीज इसमें 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट से लेकर और 2019 में ऑर्डिनेंस आने तक हर्ष जी बहुत सारी एक दर्जन से ज्यादा इसमें समितियां कमेटियां बनी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं की थी इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए। जबकि ये अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे देशों में ये 1930 के दशक में रिफॉर्म के कानून आ गए थे हर्ष जी। तो अब इन कानूनों के वापसी होने के बाद में मैं समझता हूं कि 2024 के बाद निश्चित तौर पे देश के यदि प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, जैसे देश के किसानों को उम्मीद है, तो निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप में, चाहे वो आंशिक रूप में आए, लेकिन रिफॉर्म जरूर आएंगे। बगैर रिफॉर्म के इस देश की कृषि की उन्नति नहीं हो सकती, इस देश के किसानों की आय नहीं बढ़ सकती, वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। क्योंकि हरित क्रांति के बाद हमने जितना दोहन हमें कृषि का करना था हमने कर लिया। आपने अभी शुरू में मेरे साथ इस बातचीत में कहा था कि इसको हमें कॉमर्शियल बनाना पड़ेगा, कृषि को अपनी आजीविका के को इसको व्यापार के साथ जोड़ना पड़ेगा हमें। तो निश्चित तौर पर जी मुझे उम्मीद है कि 2024 में के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार यदि सत्ता में आती है, जिसकी संभावना देश के किसानों को पुनः है, तो निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म के कानून आंशिक रूप में देश में लागू होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है एज ए किसान। हाँ, वो वैसे भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बार फिर रिपीट भी किया है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसकी इस नीति पे सरकार चल यस रही है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से ये इंप्लीमेंट की भी जा रही है। चलिए सर, ये हम आशा करेंगे, हमारी तो कोशिश ये रहती है कि हम आप जैसे लोगों से बातचीत करें तो इससे ऐसी चीजें, पॉजिटिव चीजें निकल कर सामने आती हैं जो शायद निगेटिव चीजों पर उतनी भारी नहीं पड़ पाती, क्योंकि प्रसार उनका नहीं हो पाता, उनका क्या कहते हैं कि उतना रीच उनकी नहीं बढ़ पाती। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग, आप लोग कुछ छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं और आशा करेंगे कि इसे कुछ किसान भाई हमारे जरूर देखेंगे, और जो किसान भाई खास तौर से जिनके मन में ये भ्रांतियां पैदा की, आपने तो बाकायदा डिटेल में बताया कि उसमें कहीं प्रावधान नहीं था कि आपकी जमीन ली जाएगी, और स्पष्ट रूप से सारी चीजें आपने पहले भी, आपने एक बार बहुत साल भर 2 साल पहले आपसे इंटरव्यू हुआ था मेरा, तब भी आपने सब कृषि कानूनों के फायदे मुझे गिनाए थे, मेरे याद है आज भी वो वीडियो, और उसे भी बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा था, पसंद किया था। आशा करेंगे कि ये भी वीडियो पसंद किया जाएगा, और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि अगर आप अशोक जी की बात से, हमारे इस परिचर्चा से आप सहमत हैं तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, रोकिए नहीं, दूसरे लोगों को कहिए, उनसे कहिए कि इसको देखें और इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि लोगों तक सही संदेश जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए, नमस्कार और हर्षी, बहुत ऐसी जानकारियां, आप मुझे पता लगाया कि अमेरिका यात्रा पर जल्दी जाने वाले हैं, तो आप वहां जाकर हमसे जो है कनेक्शन मत तोड़ दीजिएगा, वहां से भी आपसे चर्चा हम करते रहेंगे समय समय पर। मैंने निश्चित तौर पर बात होती रहेंगी। मैं वहां में किसानों के बीच भी जाऊंगा और वॉलमार्ट भी जाऊंगा, जाऊं सीधा किसानों से उनकी कृषि उपज को खरीदते हैं हर्षी, और आपसे जरूर हम वहां भी रहकर साक्षात्कार हाँ, करेंगे। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, अगर मोबाइल से रिकॉर्ड कर सके तो उसे भी हम अपने चैनल पे दिखाएंगे, ये भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बातचीत भी करेंगे हर्ष जी, बिल्कुल बातचीत। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।